एक सवाल है अपने पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें सुशील आनंद जी पूछ रहे हैं कि अच्छा खरीदा जाए तो किस लेवल पे खरीदा जाए, खरीदने के लायक कहाँ पर दिखेगा आपको? खरीदने के लायक तो जब इसका देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से आप खरीदना चाह रहे हैं तो ट्रेंड अप है, किसी भी तरह से ट्रेंड खराब नहीं है। लेकिन अभी और इसकी प्रॉफिट बुकिंग की कैसे, जब तक ये हायर वाला स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता है विच इज एट 48, क्लोज बिलो 48, उसके पहले तो हायर लो का स्ट्रक्चर ही खत्म नहीं होता है। तो पहले इसका ये डिसाइड हो जाए कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इतना चलने के बाद तो वैसे भी खरीदने की जरूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। अभी शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से 48 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक ये बाय ही बना रह सकता है। 48 के नीचे क्या होगा, उसके नीचे इसका करेक्शन ट्रिगर होगा। कहाँ तक आइडिया नहीं है, हो सकता है 50 डीएमए विच इज क्लोज टू 44, हो सकता है 200 डीएमए विच इज क्लोज टू 33, ये दोनों चीजें ओपन रहेंगी इसकी। लेकिन इसमें यही कि मोमेंटम पहले खत्म होना चाहिए और वो मोमेंटम खत्म 48 के पहले नहीं होता है। तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए क्या कैसे खरीदना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, 48 के नीचे खत्म हो जाएगा इसका जो अपसाइड, उसके नीचे आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू। जी, तो सुशील जी बहुत साफ साफ आपके लिए चीज़ें रखती हैं सोमेश जी ने कि अब अगर आप निवेश के नज़रिए से खरीदना चाह रहे हैं तो फिलहाल खरीदने लायक नहीं बन रहा है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो आप यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हैं। 13-14 रुपये का होता था, अभी ये 49-50 रुपये का हो गया, बल्कि ऊपर तो 53 तक छू करके आया है, तो इतना बढ़ गया है, 4 गुना हो गया है। तो उसके बाद इस समय जा करके आप निवेश के लिए खरीदने के लिए बैठेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद आपके हिसाब से चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम किस तरह का है वो आपके सामने है। ये देखिए सीधे 22-23 से अभी तक कहीं भी आपको कोई भी इसमें डगमगाहट इसकी चाल में नहीं दिख रही है। ये अपने आप में दिखा रहा है कैसी चाल इसकी है, कितने कितना तेज मोमेंटम है, और वो मोमेंटम कहाँ से छूटेगा अगर छूटा तो उसके लिए 48 का लेवल ध्यान रखिए। अगर ट्रेडिंग करनी है तो 48 को ध्यान में रख के कि उसके नीचे जाने पर फिर निकलना पड़ेगा, ये बात समझ करके आप चाहे तो ट्रेडिंग कर लीजिए, लेकिन निवेश के लिए अभी ठीक नहीं लग रहा है।